नाउ जी मूविंग फॉरवर्ड अब जो हमारा अगला स्टेप है एंटिटी की आइडेंटिफिकेशन के बाद ई बनाने के लिए वो अगला स्टेप है 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 कि कि हमने अब को आइडेंटिफाई करना पर एंटिटी इसका मतलब ये जो पहला स्टेप था कि हमने गिवन सिनेरियो में से जो हमारे स्कोप था हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट में से या उस सिनेरियो में से हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि उन्हीं एंटिटीज के अगेंस्ट उसी उसी गिवन सिनेरियो में से हमने अब एंट्रीज के अगेंस्ट एंट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है सो मी जस्ट तो हमारा किया था इन बिल्डिंग अपार्टमेंट रेंटिंगार्टमेंट बिल्डिंग एंड कस्टमर देर आर मल्टीपल फ्लोर इन द बिल्डिंग एंड ऑन ईच फ्लोर देर आर मल्टीपल अपार्टमेंट फ्लोर कैन हैव जीरो नो अपार्टमेंट ईच अपार्टमेंट कैन बी रेंटेड एट मोस्ट बाई वन कस्टमर बट कस्टमर कैन रेंट आउट मल्टीपल अपार्टमेंट फ्रॉम सेम बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट कैन बी अवेलेबल ऑन मल्टीपल फ्लोर और सेम एट दंथीड अगेंस्ट विच रेंट इज डिपोजिटेड तो ये हमारा स्नैरियो था अब जस्ट टू रिक और टू मोटिवेट यू गायूमन जो स्नैरियो होता है वो इतना सिंपल नहीं होता मतलब जो अभी आपको मैंने स्नारियो लिखा है क्योंकि ये हमारी अभी पहला हमारी डिस्कशन है तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं सिनेरियो टू द पॉइंट लिखूं और सिनेरियो में से आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगी एंटिटीज क्या है यानी नेम ऑफ अ प्लेस है नाउन है नेम ऑफ अ थिंग है लेकिन यूजली अगर हम यहाँ पे एट्टी ट्वेंटी परसेंट का रूल लगाए मतलब एट्टी परसेंट जो एंटिटीज होती है वो स्नैरियोज में से अमूमन यूजली बहुत इजिली आइडेंटिफाई हो जाती है लेकिन जो रिमेनिंग ट्वेंटी या थर्टी परसेंट की जो एंटिटीज होती हैं वो अमूमन दे नीड सम एक्सपीरियंस तो हो सकते है आपको किसी सिनेरियो में से जो एंटिटीज हैं वो आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत महसूस हो मतलब इसका मतलब यह है कि या तो आपको रिक्वायरमेंट सही नहीं बताई गई या अगर सही बताई गई हैं द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली यानी आप तक रिक्वायरमेंट सही तरीके से कन्वे नहीं हुई है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से या आपका जो बिजनेस एनालिस्ट था व्हाट्स एवर यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम ने रिक्वायरमेंट सही तरीके से लिस्ट डाउन नहीं किया तो दैट माइट बी इन केस लेकिन हमारे केस के अंदर अब इसी सिनेरियो में से जो एंटिटीज हैं वो मैंने सेम रखी हैं जो अभी हमने इससे इस पहले डिस्कस की थी मतलब बिल्डिंग की एंटिटी है अपार्टमेंट की है कस्टमर की है फ्लोर की है और रिसीव की है अब एंटिटीज वही हैं अब मैंने हर एंटिटी के अगेंस्ट कुछ एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई किया है अब यहां पे ये बताना बहुत जरूरी है कि मैंने इंटेंशनली सिनेरियो में एट्रीब्यूट नहीं लिखे क्योंकि अमूमन जब आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं फ्रॉम बिजनेस एनालिस्ट और द प्रोजेक्ट मैनेजर तो उसमें एंटिटीज नहीं बताई गई होती आपको डॉक्यूमेंट देख के या फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके एट्रीब्यूट को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो इस तो उसी को उसी के तहत मैंने आपको एंटिटीज आइडेंटिफाई करवा ली लेकिन जो सिनेरियो में से एट्रीब्यूट है अगर लिख देंगे तो इट इज इजी थिंग हर मरतबा एंटिटीज uh, और जो एट्रीब्यूट क्लियरली लिखे हुए आएंगे हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता तो अब मैंने फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के मैंने तीन एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किए बिल्डिंग नेम एड्रेस एंड फोन नंबर तो अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो काउंट है यानी मैंने तीन आइडेंटिफाई करने हैं चार करने हैं पांच करने हैं इस इसमें कोई लिमिट नहीं है रूल ऑफ द दम है इसके आपने उतने एट्रीब्यूट लिखने हैं जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें तो अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अब बिल्डिंग के लिखा है बिल्डिंग नेम एड्रेस लिखा है फोन नंबर लिखा है बिल्डिंग नेम फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे इन फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है वो उसका बिल्डिंग नेम है विच विल बी डिफेंशिएटिंग फ्रॉम द अदर बिल्डिंग नेम

मैंने लिखा रिसीप आई डी अपार्टमेंट आई डी डेट ऑफ रिसीप एंड अमाउंट यानी रिसीप की जो एंटिटी है अगेन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया जो रिसीप की एंटिटी है ये एक ट्रांजेक्शनल एंटिटी है यानी ये हमें इंटरेक्शन दिखा रही है अपार्टमेंट का और कस्टमर का क्योंकि जो रिसीप है उसकी एग्जिस्टेंस इट्सल्फ कुछ नहीं है तो हम इसको वीक एंटिटी भी कह सकते हैं यानी ऐसी एंटिटी जिसकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है किसी और एंटिटी के ऊपर तो Receipt बिल्कुल वैसी ही एक एग्जाम्पल है कि इसके अंदर कस्टमर का डाटा आ रहा है यानी कस्टमर आईडी आ रही है अपार्टमेंट नंबर आ रहा है अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट हो रहा है फिर ये जो रिसीप है ये किस दिन मैंने जनरेट की और फिर इस रिसीप की अमाउंट क्या यानी रिसीप की जो हमारी एंटिटी है वो हमें ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि मल्टीपल एंटिटीज का इंटरेक्शन है और ये इसको अमूमन अमूमन जब हम आगे जाके और डिस्कशन करेंगे इस की एंटिटीज का जो कॉमन नाम है वो अमूमन रिपोर्ट होता है यानी ये वो चीज है विल गो आउटपुट ऑफ द होल डिजाइन और द होल ऑफ आर डिस्कशन तो हर एंटिटी के कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई किया यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि डोंट टेक दीज एट्रीब्यूट एज अ सेक्रेट थिंग बिल्डिंग के फॉर एग्जाम्पल तीन एट्रीब्यूट के अलावा की और हो ही सकते ये गलत है ऐसा नहीं है दिस इज रॉन्गली टू बी एज्यूम्ड आप लोग आइडेंटिफाई करें तो कोशिश करें हर एंटिटी के कम से कम पांच पांच एट्रीब्यूट लिखें और वो ये ना हो यानी ये भी सही हैं लेकिन इसके अलावा और बेतहाशा एट्रीब्यूट होंगे जो सही भी होंगे यानी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स के वन प्लस वन हमेशा टू होना है ऐसा नहीं है यू विल हैव एंड यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट यही ब्यूटी है ई आर डी की के इसके अंदर कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं होता एवरी पर्सन कैन प्रिसीव एंड आइडेंटिफाई द एंटिटीज एज पर हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग तो ये इसका एसेंस है यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इट्स नॉट अ सेक्रेट थिंग ये को ये वर्ड फ्रॉम बाइबल नहीं है कि यह चेंज नहीं हो सकता ये फिक्स सोल्यूशन नहीं है ज वन ऑफ द डबल कोर्स दिस इज अ परपोज सोल्यूशन इट्स नॉट अ फिक्स सोल्यूशन तो जब आप लोग आइडेंटिफाई करें इसी सीनैरियो में से ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट नंबर ऑफ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट एटलीस्ट